से स्वागत है सीटेट क्रैकर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ईवीएस में एनसीईआरटी का फिफ्थ क्लास का पांचवा चैप्टर, जिसका शीर्षक है बीज बीज बीज। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानते हैं कि एनसीईआरटी के अनुसार, यानी कि जो आपका बुक है एनसीईआरटी, तो उसके अनुसार सबसे बड़ा बीज कौन सा है। तो एनसीईआरटी के अनुसार मैंगो, ठीक है, मैंगो यानी कि आम का बीज जो होता है सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटा बीज किसको माना गया है एनसीईआरटी के अनुसार, तो सबसे छोटा बीज माना गया है क्यूमिन सीड को, ठीक है। क्यूमिन सीड, क्यूमिन सीड का मतलब होता है जीरा, ठीक है। जीरा का बीज जो है उसको सबसे छोटा बीज माना गया है, और मैंगो के बीज को सबसे बड़ा बीज माना गया है एनसीईआरटी के अनुसार। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में सबसे बड़ा बीज माना गया है मालदीव के कोकोनट को, ठीक है, यानी कि मालदीव में पाए जाने वाले नारियल को। और सबसे छोटा बीज माना गया है ऑर्किड को, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। अब हम लोग आगे देखेंगे इस चैप्टर में कि हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला बीज है, यानी कि जो बीज से पौधा बनता है, तो सबसे पहला जो पौधा है जिसका नाम है शिकारी पौधा। ये पौधा शिकारी पौधा इसको इसलिए कहा जाता है कि ये अपने अंदर क्या करता है, चूहे मेढक कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। आप कहते हैं ना कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, जैसे खाने के बाद कैडबरी चाहिए, डेयरी मिल्क चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार ये पौधा जो है, इसको खाने के बाद यानी कि भोजन के बाद नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए ये पौधा क्या करता है कि कीड़े मकोड़े मेढक और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहला पॉइंट इस पौधे के बारे में, ठीक है, कि ये पौधे जो हैं पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ये पौधा जो है निपेंथिस पौधा यानी कि शिकारी पौधा, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा हुआ होता है। ये देख रहे हैं, लंबे घड़े जैसा ये जो आकार है, और इसके ऊपर पत्ती वाला ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है और इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। और इससे, मतलब ये जो पौधा है, इससे एक खास प्रकार की खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं। मतलब ये पौधा क्या करता है कि एक सेंट निकालता है, जिससे क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं। और जैसे ही पौधे के ऊपर पहुंचते हैं, यानी कि जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे, ये कीड़े मकोड़े या छोटे जीव होंगे वो क्या होंगे, इसके अंदर फंस जाएंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है शिकारी पौधा, ठीक है, देख रहे हैं शिकारी पौधा। और इसका नाम है क्या, निपेंथिस, निपेंथिस, शिकारी पौधा निपेंथिस। अब चलते हैं आगे जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में आगे पढ़ना है कि कुछ पौधे जो होते हैं वो हमसे चिपक करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। कुछ पौधे के बीज वैसे होते हैं जो हमसे, मतलब कि हमारे शरीर से या जानवरों के शरीर से चिपक करके एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। कुछ पौधों के बीज वैसे होते हैं जो हवा के द्वारा जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सोयाबीन का बीज क्या होता है कि एक, मतलब कि जब सोयाबीन का बीज पक जाता है तो चिटक करके फैल जाता है, ठीक है। तो बीज एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तभी तो पौधे बनते हैं। अगर सारे बीज एक ही जगह पे गिर जाएंगे तो सोचिए कैसा होगा, एक ही जगह पे बहुत सारा पौधा हो जाएगा, ठीक है, और जो हमको चाहिए फल वो अच्छे से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो बीजों का ट्रांसफ़र यानी कि स्थानांतरण, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो बीज एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं घुमाक्कड़ बीज, ठीक है। घुमाक्कड़ बीज यानी कि एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, ठीक है। देख रहे होंगे कि पौधे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमाक्कड़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुँच जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है घुमाक्कड़ बीज। उसी में से एक बीज है जिसका नाम है बेलक्रो, ठीक है, जिसका नाम है बेलक्रो। अब ये बेलक्रो क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सैंडल का फ़ोटो जो हम लोग पहनते हैं, ठीक है। तो ये बेलक्रो क्या होता है,
वेलक्रो मतलब सैंडल में चिपकाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे कि उखाड़ने पे चरचर की आवाज़ आती है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम देखते हैं वेलक्रो के बारे में कि ये घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। जॉर्ज मेस्ट्रल नाम के एक वैज्ञानिक हैं, कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। ये पॉइंट आपको पहला पॉइंट नोट करना है कि जॉर्ज मेस्ट्रल कहाँ के हैं, तो जॉर्ज मेस्ट्रल हैं स्विट्जरलैंड के, और ये घटना कब की है? 1948 की। वे एक बार कुत्ते के साथ शहर से लौट रहे थे तो उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हुए हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए और झट माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने लगे। ठीक है, उन्होंने पाया कि बीज में छोटे छोटे हुक थे, यानी कि इस प्रकार से जो बीज थे कुछ इस प्रकार से हुक बने हुए थे बीज पे। ठीक है, उन्होंने पाया माइक्रोस्कोप में कि बीज में छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर क्या हो गए थे? अटक गए थे। यह देखकर मिस्टल को आइडिया आया कि क्यों ना बेलक्रो बनाया जाए इससे। ठीक है, बेलक्रो क्या होता है कि बेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है, यानी कि देखते होंगे सैंडल में या बैग में, ठीक है, कि एक सतह जो होता है मुलायम होता है और दूसरा सतह जो होता है उस पर हुक टाइप का बना हुआ होता है। उससे क्या होता है कि दोनों आपस में चिपक जाते हैं और खुलने पर चरचर की आवाज़ आती है। ठीक है, और ये हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? तो बेलक्रो का प्रयोग हम लोग बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखते हैं। ठीक है, तो ये बेलक्रो के बारे में आपको पॉइंट जो याद रखना है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि बेलक्रो के खोजकर्ता कौन है। तो बेलक्रो के खोजकर्ता हैं जॉर्ज मिस्ट्रल, जो कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। ठीक है, और बेलक्रो क्या होता है? तो बेलक्रो दोनों सतह से चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज़ आती है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग हम लोग बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब देखिए एक एनसीईआरटी का सेक्शन है इस चैप्टर में कि कौन कहाँ से आए जी। ठीक है, कौन कहाँ से आए जी, मतलब आपको यहाँ पे पढ़ना है कि कौन सा बीज कहाँ से हमारे देश में आया। जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देखिएगा तो एक कविता दिया हुआ है, इस कविता का शीर्षक है आलू मिर्ची चाय जी, यानी कि कौन कहाँ से आए जी। ठीक है, तो इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं, देखिएगा इसी में से आपका पॉइंट निकलेगा। आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी, सात समुंदर पार से दुनिया के बाजार से, व्यापार से उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, देखिए सबसे पहला पॉइंट दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, यानी कि यहाँ पे आपको नोट करना है कि भारत में मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लेकर के आए थे। भारत में मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लेकर के आए थे। अब आगे देखते हैं, मूंगफली आलू अमरुद धूम मचाते करते उछल कूद, साथ टमाटर आए जी आलू मिर्ची चाय जी, भिंडी है अफ्रीका की भूरी भूरी कॉफ़ी भी। ठीक है, दूसरा पॉइंट भिंडी है अफ्रीका की भूरी भूरी कॉफ़ी भी, यानी कि दूसरा पॉइंट है आपका भिंडी और कॉफ़ी हमारे देश में अफ्रीका से आए हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है कि भिंडी और कॉफ़ी हमारे देश में कहाँ से आए हैं, तो भिंडी और कॉफ़ी हमारे देश में अफ्रीका से आए हैं। अब चलते हैं आगे, नक्शे में यूरोप किधर वहीं से आए गोभी मटर, नक्शे में यूरोप किधर वहीं से आए गोभी मटर, यानी कि तीसरा पॉइंट गोभी और मटर हमारे देश में कहाँ से आए हैं, तो गोभी और मटर हमारे देश में यूरोप से आए हैं। अब चलते हैं आगे, चाय असम की बाई जी आलू मिर्ची चाय जी। ठीक है, चाय असम की बाई है, यानी कि चाय असम में पाया जाता है आलू मिर्ची चाय जी, चली चीन से सोयाबीन पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश उसमें है कई गुण विशेष। ठीक है, ये भी यहाँ से आपका एक पॉइंट निकल रहा है, यानी कि यहाँ से जो आपको पॉइंट निकल रहा है कि सोयाबीन हमारे देश में कैसे आया और किस प्रकार से आया, तो सुनिएगा, सोयाबीन सबसे पहले चीन से अमेरिका ले जाया गया। ठीक है, सोयाबीन चीन से अमेरिका गया और अमेरिका से फिर हमारे देश में आया। ठीक है, चीन यानी सोयाबीन चीन से अमेरिका गया
और उसके बाद हमारे देश में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। रोब जमाकर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी, बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी है भाई बहन ये सब देसी। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि बैगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर केला पालक परवल टिंडा मेथी ये कहाँ की पैदाइश है, तो ये भारत की ही पैदाइश है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 5 पॉइंट निकला। पहला, भारत में मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लेकर के आए थे। दूसरा पॉइंट, भिंडी और कॉफ़ी हमारे देश में अफ्रीका से आई है। तीसरा पॉइंट, गोभी और मटर हमारे देश में यूरोप से आए हैं। चौथा पॉइंट, सोयाबीन सबसे पहले चीन से अमेरिका लेके जाया गया और फिर वहाँ से हमारे देश में आया। और पाँचवा पॉइंट, बैंगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर केला पालक परवल टिंडा मेथी ये सभी हमारे देश की ही पैदाइश हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।